रुपए पूरा गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के काटती है, वो साफ सफाई के और इसके बताने के 200 रुपए जो होगा 500 रुपए जो होगा आपका बोनस बनेगा आपको सर हर महीने। यस ठीक है। अब ये 3600 और फिर 500 कितने हो गए 4100 रुपये हो गए। 4100 रुपये आपको पर मंथ की सेविंग है, ये पर मंथ की सेविंग है वो आपका ही है, आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। ये महीने से पहले हाँ वर्किंग डे जो है वो है 7 महीने की, 7 महीने बाद फिर आपका आप मेहनत देखा जाएगा, छुट्टियाँ देखी जाएंगी। ये नहीं कि एक महीने में 10 दिन काम किया और 20 दिन की छुट्टी मार ली, छुट्टी जो मिलेंगी आपको वहाँ 7 महीने में आपको 13 छुट्टी मिलेंगी, मतलब 13 छुट्टी अलग से मिलेंगी, ड्यूटी आपकी 26 दिन की है। एक महीने में आपको कितना काम करना है 26 दिन काम करना है खाली, और ये जो 13 छुट्टी है ये अलग है, मतलब 13 का मतलब हो गया एक महीने में लगभग 2 हो गई। यदि आप छुट्टी नहीं करोगे तो 7 महीने बाद 13 का पैसा आपको मिल जाएगा पूरे महीने का बोनस, 13 दिनों का बोनस। ये छुट्टी नहीं करोगे आप इसका पैसा तुम्हारा 13 दिन का रिफंड हो जाएगा तुम्हारे उसमें सैलरी में अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। अब 26 दिन में ये जो होता है ये एक दिन का तुम्हारा वीकली ऑफ होगा, वीकली ऑफ मतलब हफ्ते में एक दिन का ऑफ, किसी को संडे को मिल गया, किसी को मंडे को, ठीक है, तो ऐसे करके किसी को सैटरडे